गुड आफ्टरनून हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में देखिए अब तक की बड़ी खबरें। अब प्रदेश के पत्रकारों को खालिस्तानी झंडा फहराने को लेकर आई ईमेल, ईमेल में डीसी ऑफिस ऊना का चित्र भी भेजा। चंबा जुम्हार संपर्क मार्ग पर गहरी खाई में गिरी कार, दो की मौत। प्रदेश के 73 परीक्षा केंद्रों में आयोजित हुई स्टाफ नर्स की लिखित परीक्षा। बल उपमंडल के गांव बंगलोह के जंगल में लगी आग, रात भर कड़ी मशक्कत से पाया आग पर काबू। बड़सर में पानी को लेकर मची त्राही त्राही और पांडवी में व्यर्थ बह रहा पानी। और अब खबरें विस्तार से। अंब रोड ऊना, हिमाचल प्रदेश को आजाद पंजाब का हिस्सा बताकर खालिस्तानी झंडे फहराने की गाहे बगाहे बातें करने वाले विवादास्पद आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दावा किया है कि उनके एक्टिविस्ट युवाओं ने ऊना के डीसी ऑफिस परिसर में खालिस्तानी झंडा लहराकर 29 अप्रैल को शिमला में झंडा लहराने के मंसूबों को बल प्रदान किया है। अब प्रदेश के कई पत्रकारों को ईमेल भेजकर डीसी ऑफिस परिसर में खालिस्तानी झंडा लहराए जाने की बात कही है। आतंकी के इस ताज़ा मेल के बाद पुलिस जहां सतर्क हो गई है, वहीं खुफिया एजेंसियां भी मुस्तैद हो गई हैं। आतंकी द्वारा भेजी गई ईमेल में डीसी ऑफिस ऊना का चित्र भी लगाया गया है। सर, पन्नू ने जो है वो एक बार अब ऊना में धमकी दी है डीसी ऑफिस और कोर्ट कॉम्प्लेक्स में खालिस्तान का झंडा फहरा रहे, क्या कहना चाहिए? ये जो धमकी आई है इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, इसके लिए हमारी पुलिस फोर्स पूरी तरह निपटने के लिए तैयार है। साथ में मैं लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरह की अफवाहों पे ध्यान न दें, और साथ में ही अगर कोई ऐसी जानकारी उनके ध्यान में आती है तो वो पुलिस के साथ शेयर करें। चंबा जुम्हार संपर्क मार्ग पर रविवार को एक कार के गहरी खाई में जा गिरने से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार चल रहा है। कार में कुल तीन युवक सवार थे जो कि शहर के धड़ोग मोहल्ले के रहने वाले थे। पुलिस ने दुर्घटना में मारे गए युवकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। उपमंडलीय प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार संदीप कुमार ने मृतकों के परिजनों को 10,000 और घायल को 5,000 की फौरी राहत प्रदान कर दी है। जानकारी के अनुसार रविवार सवेरे करीब 11 बजे जुम्हार से चंबा की ओर आ रही कार लुड्डू के समीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, परिणाम स्वरूप इसमें सवार पूर्व की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मोहित ने मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार के दौरान घावों की ताब को ना सहते हुए दम तोड़ दिया। घायल कार्तिक की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के विस्तृत कारणों की जाँच आरम्भ कर दी है। मतलब यहाँ रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है, मैं फौरन यहाँ हॉस्पिटल आ गया हूँ और यहाँ मुझे आके मतलब कंफर्म हुआ कि भी एक लड़की की डेथ जो है वो ऊपर स्पॉट पे हो गई थी और दूसरे दो इंजर्ड को यहाँ ले आए थे, लेकिन उनमें से एक इंजर्ड जो और था मोहित, उसकी भी डेथ यहाँ पे हो गई है। तो अभी हम जो जिनकी डेथ हुई है दो की, उनको 10,000 रुपये फौरन रिलीफ जो है अदायगी अभी कर देंगे और 5,000 रुपये जो इंजर्ड है उसको हमने हैंडओवर कर दिया है। तो अभी एक बॉडी मतलब आ रही है ऊपर से ना जी, एक बॉडी ऊपर से लेके आ रहे हैं, एक बॉडी यही है, बाकी पोस्टमार्टम अभी हो जाएगा, उसके बाद जो है बॉडी इनके मतलब जो परिवार के लोगों को लिफ्ट कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने स्टाफ नर्स की लिखित परीक्षा रविवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित की। प्रदेश भर में सुबह के सत्र में 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बता दें कि स्टाफ नर्स पोस्ट कोड 933 के 85 पदों को भरने के लिए 16,741 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की गई। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर की बात की जाए तो यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए 440 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी हुए थे।
इनमें से 349 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 91 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। अभ्यर्थियों को परीक्षा से एक घंटा पूर्व पहुंचने के निर्देश थे। अभ्यर्थियों में परीक्षा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं आयोग सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर का कहना है कि सुबह के सत्र में स्टाफ नर्स की लिखित परीक्षा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के 73 परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई। बल उपमंडल की ग्राम पंचायत रीगढ़ के गांव बंगलोह के जंगल में शनिवार के दिन शाम के समय आगजनी की घटना घटी है। हालांकि जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन जंगल का काफी नुकसान हुआ है। जंगल में आग लगने से यहां के ग्रामीणों को सारी रात जागकर गुजारनी पड़ी और वार्ड मेंबर के नेतृत्व में गांव वासियों ने पूरी रात लगाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। बताया जा रहा है कि ये आग शरारती तत्वों द्वारा लगाई गई थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि घासनियों की सफाई के समय लापरवाही के चलते भी ये घटनाएं घटती हैं। इस बारे में वार्ड मेंबर हरीश कुमार ने बताया कि शनिवार की शाम के समय शरारती तत्वों ने बंगलोह के तरलाजा जंगल में आग लगा दी। उन्होंने बताया कि रात के समय वन रक्षक संगीता ठाकुर और उनके कर्मचारियों सहित गांव के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर ये भी कहा जा रहा है कि आग अभी भी पूरी तरह नहीं बुझी है। इस बारे में रीगढ़ पंचायत के प्रधान केदारनाथ का कहना है कि कई बार शरारती तत्व आग लगा देते हैं तो कई बार भेड़ बकरियां चराने आए घुमंतु भी रोटी आदि बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। उसकी आग कई बार पूरी तरह से नहीं बुझी होती और ये घटनाएं घट जाती हैं। भोटा से कुछ दूरी पर पांडवी पंचायत के पास कई दिनों से हजारों लीटर पानी मेन पेयजल पाइप से बह रहा है, पर प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं है। एक और बरसर क्षेत्र में लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा और पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। वहीं पांडवी पंचायत में मेन पेयजल पाइप से फव्वारे की तरह हजारों लीटर पानी व्यर्थ में बह रहा है। लोगों का कहना है कि कई दिनों से इस मेन पेयजल पाइप से व्यर्थ पानी बह रहा है। वहीं गर्मियों के मौसम में लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा है और कुछ जगहों पर हफ्ते में 3 से 4 बार ही पानी नसीब हो रहा है। पांडवी पंचायत के वार्ड पंच पवन वर्मा, रमेश, सुनील, अरुण, पंकज आदि ने प्रशासन से अपील की है कि लीक हो रही मेन पेयजल पाइप जल्द से जल्द ठीक की जाए। वहीं इस मामले में भोटा सब डिविजन आईपीएच विभाग के एसडीओ राकेश गर्ग का कहना है कि जल्द ही लीकेज हो रही पेयजल पाइप को ठीक करवा दिया जाएगा। आज दोपहर हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।